काम 17 अध्याय का 16 वचन को पढ़ेंगे। जब पौलुस अंतेने में उनकी बात जो रहा था, तो नगर की मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। इस अतेने शहर को यूनानी राज्य का अंग के रूप में देखते थे। उन दिनों में कला, साहित्य, शिक्षा में वो स्थान बहुत ही नामी स्थान था। उस शहर में सिद्धांत के ज्ञानियां थे, राजनीति नेताएं थे, राजतंत्र गुरुएं थे, सबसे पुराने पुराने कलाकारों भी थे और नामी कवियां भी वहां रहते थे। बड़े बड़े भवन बनाने की बुद्धिमानी लोग भी वहां रहते थे। इस अतेने शहर शिक्षा के लिए और कला के लिए जो है बहुत ही नामी स्थान था। ऐसे ये शहर मूर्तियों से भरा हुआ था और 30,000 देवताओं को उन्होंने पूजा की। इसलिए सारे मूर्तियों को और देवताओं को पूजा करने के लिए, उत्साह देने के लिए ये शहर मूर्तियों से भरा हुआ था। ऐसे मूर्तियों से भरा हुआ शहर था इस अतेने। इस शहर को जब उन्होंने देखा था, पौलुस जब इसको देखा था, अपने आत्मा में उत्साह से भर गया। उस अतेने शहर में इतना खूबियां तो था, लेकिन पौलुस के नजर में क्या नहीं दिखाई पड़ा? सच्चे प्रभु को उन्होंने ना देखा, सच्चे परमेश्वर के ज्ञान को उन्होंने नहीं देखा, सच्चे परमेश्वर से मिलने वाले आशीष को उस शहरवासियों ने ना देखा। इसका मतलब उस शहर आत्मिकता में अंधा में था, इसलिए जो है पौलुस वहां आत्मा में भर गया। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर आपको किस स्थान में रखा, आपका मन में क्या उत्साह है, चारों तरफ क्या हो रही है, थोड़ा ध्यान देना। इस संसार के लिए मुक्ति कहां से मिलेगा? उद्धारकर्ता का कौन इनको प्रचार करेगा? जो सच्चे प्रभु को जानने वालों को ही शांति मिल सकता है। जो अपने को परिवर्तन करते हैं उनको शांति मिल सकता है। हो सकता है आपका मन में शांति नहीं है, लेकिन आज इस वचन को आप सुनते हैं, आपके दिल में इतना बेचैन है, परिवर्तन नहीं है, लेकिन आपको मैं बताता हूं, जीवन को बदलने वाला एक ही शक्ति है, तो वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया।